नमस्कार। ओडियांको पखाळ कंसारु एबे नित्य व्यवहार्य साधारण लेंबु उभान होई जायछि, जेउठी खाउटी ब्यागरे गंडाए दि गंडा लेंबु पकाउथिला। परिबा किनिबा परे कंचा लंका भळी बेपारीटिए ग्राहकंकु गोटिए दुइटी लेंबु मागणारे भी देउथिला। से स्थिति किन्तु एबे पूरापूरी बदली जायछि, आउ एबे गोटिए लेंबु किनिबाकु मध्य जणे ग्राहक भय करुछि। कारण जेउठी किलो दररे लेंबु बिक्री होउथिला, सेठी एबे गोटाए गणतिरे जे देखिबा बिक्री हेउची, एवं गोटाए लेंबु 10 टंकारे बिक्री हेउची, जहाँ आज आम आलोचना करुचे गोटे को 10 एवं जो भाई भाव में बर्तमान स्थिति रही। आग को जदि यह भाव में 10 टंकारे लेंबु बिक्री हेबो, ताले हुए तो खाउटी माने आउ लेंबु नेबाकु आग्रह प्रकाश करिवेनि। किंतु जो जो माने लेंबु को प्रतिदिन ताकर भात रे शामिल करिथांती, सेमाने बे कोन करिवे, सेठी गोटे बड़ प्रश्न। कारण आपण देखंतु जदि गुजरात कथा कहबा, किछि दिन तळे गुजरात रे लेंबु दर गोटा को 10 टंका होय जायथिला। एबे हैदराबाद रे लेंबु 10 टंका रे बिक्री होची, आंध्र प्रदेश रे 10 टंका रे बिक्री होची, तो विभिन्न स्थान रे एबे लेंबु गोटा को 10 टंका रे बिक्री होची, जेउति पई कि एही महंगा माड़ रे खाउटी अस्तव्यस्त होई पड़िलानी। पूर्वरु गा खाइबा तेल गैस पेट्रोल डीजल महंगा थिला, एबे लेंबु रो दाम खाउटी को पई मध्य चिंता बढ़ाई देछि। खरा दिने लेंबु रो बाजार रे दर रे निया लागिछि। ओडिसा रे छोटिया लेंबु गोटा को 6 टंका एवं बड़ लेंबु 8 रु 10 टंका रे बिक्री होची। गुजरात परे परे हैदराबाद रे तापरे राजस्थान रे लेंबु 10 टंका रे बिक्री होची, जहाँ की खाउटी को पाई चिंता बढ़ाई छी। बीस के चार बेच रहे सब, छोटा नींबू 20 का 3 नींबू, बड़ा नींबू बेच रहे सब। आई सर अभी थोड़ा समझ रहे, आज 500 रुपए उतरा बस उतना है। कल का रेट क्या देखा सो 4000 रुपए कम नहीं है पहले, आज 3500 मिला है बस। एक दिन निकल रहे, एक दिन नहीं निकल रहे। 3000 को तैला लाए कहाँ से? मार्केट से, मार्केट से, बड़े मार्केट से लाए 3000 को तैला। कितने में बेच रहे हैं? 10 रुपए बोले तो भाग रहे भाई, 8 रुपए कर ही है, वो नहीं ले रहे ग्राहक। गिरानी बढ़ने से प्रॉब्लम हो रहा लोगों को, सुने अब रमजान का महीना भी है, अब इफ्तार में लोग इस्तेमाल करते ही है, अब लोग लेने के वास्ते जरा पीछे हट रही है, समझ रहे। तो अब ये चाहिए कि इसका दाम कम हो। पहले नींबू बहुत सस्ते होते थे, अभी थैंक्स टू गर्मी, आई डोंट नो बहुत सारे रीजंस हैं, बट गर्मी मुझे सबसे मेन रीजन लग रहा है। सो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 10 रुपए का एक नींबू आ रहा है। एबे मागणा मिलुनी लेंबु, एवं लेंबु गोटे 10 टंका रे बिक्री होची, काहे कि एभली स्थिति आसला आलोचना करछे। आज हम सहित अछन्ते डॉक्टर गोविंद चंद्र आचार्य, प्रमुख वैज्ञानिक जातीय उद्यान कृषि गवेषणा केन्द्र रो, एवं देवेंद्रनाथ साहू अछन्ते संपादक छत्रबजार व्यवसायी संघर। आपण मानको स्वागत करूछि आलोचना को। देवेंद्र सर, आपनठु जानिबा को चाहिबी बाजार रे जदि वर्तमान लेंबु रो स्थिति देखिबा, केते कोन दर रहूची, पूर्वरु केते टंका रे बिक्री होतला, वर्तमान केते टंका रे बिक्री होची? नहीं, वर्तमान जो लेंबूर अभाव है जे आम ओडिशा रे धरते अनुगुल आ बरगढ़ केन्दुझर ब्रह्मपुर ये सब जगार लेंबू आसे, किंतु वर्तमान ए वर्ष लेंबू आमदानीटा कम हो, फलटा भी कम हो, ये पागर प्रतिकूल हेतु यहाँ हो तो विशेषकर आपर भी आंध्र किसी लेंबू आसे एलुरवेली से फल फल भी कम हो, तेणु टोटाल उपर जो फलटा लेंबु आमदानीटा कम रोचे बा गछरे फलिया कमी जाइए, से दृष्टि बजार को लेंबूटा विशेष आसी पारना, से चलित बर्ष यही अभावीटा विशेष भाव तो आम ओडिशा जो तीन चार जगह कहली ये संपूर्ण भल भाव लेंबु आमदानी हुए, तेणु आमको विशेष अन्य राज्य निर्भर कर पड़े किटा यही समय पड़े जोटा कि आंध्रे से लेंबू कम हो, तेणु जितेबाद पॉइंट कम होती दर बढ़े आठ ट्रांसपोर्ट लगिक आसे ये दर बढ़ुँच, ये हूँ तार मुख्य कारण। यहाँ आगामी बर्षा आसे सेकेंड फसल बाहर आर स्वाभाविक अवस्था दर रही बर्तमान श्रीजुक्त साहू बर्तमान मार्केट आगुरी कौन मिलता है कौन रोचे दरटा देखते सीए छोट हाँ छोट सजे से मैंने 2 टा 3 टा एम बिकुं टे बड़ हेल्ले 5 टा 7 टा आउ टे बड़ हेल्ले 7-8 टा यही टाइप रेंज कर माने डिवाइड करके बिकुं जेहेतु लेंबूर एत आमदानी ना ताकू आकू भी रखिले ये सड़ीजी ता कलर फेड हो सिंकेज हो नष्ट पेरिसेबल आइटम आपको आने तो बिक्री करेंगे ग्राहक भी कम नौ आसिया भी कम हो क्या दाम अधिका रोचे जिनस भी भल जिन भी मिलूने जोटा भी अच्छी तादे सड़ा पचा दागी भी मिसिकी आस तो से हिसाब से देख ला प्रोडक्शन
तार रेटा कमी आज्ञा फेर भी आप डॉक्टर आचार्य आम सहित अच्छा डॉक्टर आचार्य आम अनुगुल कथ कह बरगड़ कथ कह केन्दुझर यह सब अंचल जो लेंबू चाष कराए लेंबू जो दुई टंका तीन टंका मिल जाऊला कि कम्रे मिले बर्तमान दस टंका पाखापाखी पहुंचला यही अंचल जब चाष हो असुविधा कौटी रोचे कहीं एत टा दर हो जाए लेंबू दर देखते मैडम आमर जमी कहले आमर गेस्ट कहले ओडिशा रे मेनली आपणकर मयूरभंज गोटे डिस्ट्रिक्ट गोटे भल आम लेंबू करा जाए छड़ा गंजाम गजपति अनुगुल झारसुगुड़ा कोरापुटे कलाहां लेंबू चाष कर जाए रायगढ़ में हुए आप डाटा देखिए आम ओडिशा रे प्राय पाखापाखी आप 25-26,000 हेक्टर में लेंबू चाष कर जो कागजिलामी कहूँ आम आती प्राय 22,000-23,000 हेक्टर फल आसे आड़शा जो कहते हैं जो प्रोडक्टिविटी माने आपंकर गोटे हेक्टर में गोटे हेक्टर में जिते फल हुए प्राय अलमोस्ट भल हुए जमी इंडिया देखा टोटाल भारत देखिए ओडिशा गोटे भल स्थान अच्छी आम जो लेंबूर प्रोडक्टिविटी साधारण देखु प्राय 12-13 टन प्रति हेक्टर कराए आम लेंबूटा देखते आए बेस लेंबू आस जो मेन जो लेंबूटा दुईटा सीजन साधारण हुए आम जमी गोटे आपर रेनी सीजन गला आ गए आपर समर स्प्रिंग कराए रेनी सीजन आगे जमी साथी कहले जो गेस्ट कहले आस दुईमास हुए तो आम लेंबूटा मार्केट बहुत आसपार किंतु आप देखा गल ओडिशा रे लेंबूर गोटे भल चाहिदा अच्छे भल प्रडक्शन अच्छी आम आशा करूँ परवर्त क्षेत्र में लेंबू जब लेंबू रेटा निश्चिंत मार्केट को बेस आस लेंबू निश्चिंत कमार संभावना अच्छी पाखे डॉक्टर आचार्य आ गए कथ जलवायु परिवर्तन लेंबू उत्पादन कमी जाऊँगी कहुच्छे तो कौन एमती जलवायु आवश्यक रहे लेंबूपाई जदि आम से दिगक आलोचना करवा देखो लेंबू गोटे आप कहते ट्रॉपिकल जमी आम आंब है कि आपर पिजुली है ट्रॉपिकल कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप आमर लेंबू करा जाए मुझे जो एरिया गुड़ा कहली देखो सबूप सब जलवायु पूरा ये सब जलवायु लेंबूटा खूब भल चाष कराए तेनाली जलवायु भल जलवायु अच्छी किंतु जमी देखे बर्तमान आम यही वर्ष जमी बर्तमान मैंगो अपन आप आंबटा बहुत लेट्रे आसला और मैक्सीम जगार आंबटा आप वर्ष बहुत कम होती देखिए ओडिशा देखिए पूरा हारारी आंबटा बहुत कम देखाई बहुत कम होता साधारण जलवायु परिवर्तन हो पारे वर्षाटा बहुत लेट्रेला से भाई आम क्लैमेट्र आमर किटा निश्चिंत रोचे आमर माने आमर जो क्लाइमेट हो कि एनवायरनमेंट निश्चिंत कि इफेक्ट रोचे जहाद्वारा कि आम लेंबूर टी हो पारे किसी प्रडक्शन कि नुआ रोग है कि कौन पक आसे आउ कौन समस्या सृष्टि होकर हो पारे कि आम भावु निश्चित मस दुमास निश्चिंत लेंबूर जो ये प्रडक्शन निश्चिंत भाव में बढ़िया निश्चिंत बढ़ा से क्लाइमेट इफेक्ट रही निश्चिंत रही क्लाइमेट इफेक्ट रही भी देवेंद्र सर जहां आमे आलोचना करछे डॉक्टर आचार्य मध्ये कहिले बर्तमान जदि क्लाइमेट चेंज कथा कहिबा तार मध्ये फरक रहुछि तो विगत वर्ष रे एई समय रे केते लेंबू उत्पादन हुए एवं एथरो केते कमी जाय छि लेंबू माने देखंदु वर्ष सारा लेंबूटा अलगा टाइम रे ठीक प्रोडक्शन आसे ए खरा दिने टिके कम कम हुए किंतु ए वर्ष क्लाइमेट रो प्रतिकूल प्रभाव हिसाब से प्राय कमी जा मैंने कहले 70% प्राय कमी जा जोटा कि मैंने लेंबू तो प्राय जमी न आसला भाया आसूँ आशेषकर आम जब पड़ोसी राज्य निर्भर करूँ से ना से ही अवस्था से ही क्लाइमेट असुविधा तो हो क्लाइमेट जो कि रोग धरू कौन सी असुविधा रोच जोटा कि जहाँ आख्या दे आंब आंब आम तो ओडिशा प्रचुर हवा कथा कि चलित बर्ष देखु मैंने आंबर किसी से भाई प्रडक्शन हम ना कहीं सब झड़ जा तार असुविधा जो पाग जो अत्यधिक जब लघुचाप हम तार जलवायु से मटी पाकर नष्ट तेणु तादा रोग धरू ये धरू ये सब तार आम जहाँ भावु ना प्रडक्शन एत कम कहीं आज्ञा तो अन्य राज्य रु आम राज्य को लेंबू आसे कि आम रप्तानी जदि हूँ कह आमदानी कथ कह हुए कि लेंबू आम अगर राज्य रु आर कर आलु आउ पिज आम अलग अगर राज्य रु आनी था हाँ हाँ आम आगे आगे आम निर्भर करने पड़ता संपूर्ण आंध्र उपरि लेंबू आसे ये मानते बिक्री हुए ये क्वचित हुए कि बर्तमान आम राज्य लेंबूर जो अच्छी प्रोडक्शन ठीक होता यही वर्षटा
जलवायु खराब ये अवस्था हो जाए तो प्रकृति कथा एटा तो गच गोटे लगे पुणी मानते फलटा आसवाक पुणी दुई मस रु तीन मस दरकार तो किसी जो रही जाता है सहीटा पुणी सेकेंड फसल बाहर तेणु आमको आगे निर्भर करता एवं निर्भर करने को पड़ ना कि चलित बर्ष यही असुविधाटी तेणु आर कौन कारण हो पाए आम भाव जलवायु जो होटा आम भावे ठीक अच्छे फेर भी आप डॉक्टर आचार्य जहाँ आम आलोचना कर देवेंद्र सर कहे अन्य राज्य पर आम पूर्व आगर डिपेडेट थे आम निज राज्य हिं जो प्रडक्शन आसे चलुचे आप देखते गोटे समय आलु रेट बढ़ी जाऊँच पिज रेट बढ़ी जाऊँच हुई बढ़ी जाऊँच शहे शहे कोड़े टाँग पिज रेट हो बर्तमान लेबू दर बढ़ी यही जो गोटे अभावी बिक्री हो मिलूना आवश्यक जिनस जो गुड़ा दैनन्द जीवन में खाद्य पेयर आवश्यक मिलूना यहाँ कौन पर परिवर्तन हो कहीं आमको आभेलेबल हो चाषी मैंने चाष कर किंतु आमे पाई पारुने जिनस ठीक मूल्य रे देखुन मैडम आमर जेमती गोटे आंब जदि गोटे एग्जांपल आंबरे आमर कर हाई डेंसिटी करा होचे आंबे को प्रॉपर मैनेज करुचे ड्रिप इरिगेशन दौचे हाई डेंसिटी दौचे ता भितर इंटरक्रॉपिंग करुचे तेणु आमर गोटे लेंबू रे जो कागजी लाइम जो हूँ विशेषकर आमर सेमती कमर्सियल प्लांटेशन विशेष नाई आमर तो आम सबकृत कमर्सियल प्लांटेशन ध्यान देवा और तापर आम कौन हो कहे आम प्राय केतरा जगह आम जो प्लांटेशन अच्छी मनकर जोटा आम गच्छी प्राय सब पुणा हो आसबी मूल लगाई आम ठीक से प्रूनिंग टेन करने ठीक से हार्वेस्टिंग कलापर तार जत्न नौने कि आम फर्टिलाइजर के दौचे न तो जना पड़नी तो यही सब के साइंटिफिकल इंटरवेंशन दरकार टेक्निकल इंटरवेंशन दरकार जहाँद्वारा कि आम लेंबूर प्रोडक्शन निश्चिंत बढ़ी पार और आम निश्चिंत सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो पारे कारण आम पर एरिया बहुत अच्छे आप जो कहे आम पर बर्तमान 25-26 हेक्टर लेंबू हो आम निश्चिंत सेल्फ सस्टेन हो पार कि आमको से दृष्टि कमर्सियल प्लांटेशन कर हाई डेंसिटी आम बर्तमान लेंबू बन कर 4 मीटर 3 मीटर लगे आम तीन बै 2 मीटर लगे जो मैक्सीम ग जी 3 मीटर 2 मीटर लेंबू लगे आपखापाखि 16-17 वर्ष आसो गोटे हेक्टर तो जो आम टी आ सैंटिफिकाल इंटरभेनसन करवा सैंटिफिकाल प्राक्टिसेस फलो करवा जमी प्रूनिंग है ट्रेनिंग है आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है कि आपको अर्गानिक किसी दे मनकर विभिन्न रोग कंट्रोल कले आम निश्चिंत स्टेट निश्चिंत सेल्फ सस्टेन हो पार लेंबू क्षेत्र में आज्ञा आउ गोटे कारण है देवेंद्र सर आउ गोटे कारण जहाँ आज आलोचना करुच्छ देखु जो जो कोल्ड ड्रिंक्स कंपानी मैंने अच्छा से खरा दिन बेस लेंबूर जेहतु चाहिदा था लेंबूर कोल्ड ड्रिंक्स होता है से मार्केट रू नहीं जाती लड्रे लेंबू नहीं जाती बहुत मात्रा रे तो से हे तो टी कमी जा चलित बर्ष जो देखा लेंबूर परिमाण जी रहा कथा आम राज्य बजार नहीं कथा हूँ विगत वर्ष मानक भी से कंपनी माने भी अच्छा किंतु से माने भी नियंती नवा पर भी एत रेट हुए नहीं कि चलित वर्ष माने प्रोडक्शन टा कम हो लेंबूर फलटा कम हो तो से नवा कथा कि जो पर नवा कथा सीता से हिसाब से नौ थे जेहेतु दाम भी अधिका अच्छी तो चाषी पाखे धरतु से चाषी गोटे एत खर्च कर गच लगेगा जी तार कम फसल आसला चाषी मानक सी सहीटा को रेटा को सी धरवे जेहतु तक खर्च होती तेणु से पॉइंट रेटा अधिकाला आउ प्रोडक्शन टा कम अच्छी तेणु से हिसाब से बजार भी कहीं प्रोडक्शन कमी जाऊँगी चाषी आगु भी सचेतन होना कारण वर्ष तमाम जो तारी निर्भर करेबू चाष चाषी कहीं प्रोडक्शन कमी जा नहीं नहीं देखु ये गोटे कथा कहली आंब आंब गोटे आम ओडा एमर एत आंब जे आम ये करे वर्ष आंब कहीं मानने प्रकृति एभली जिनस अच्छी तो गोटे लोक चाषीटा गच्छ लगे तो गच्छा धर है फलटा कहीं हलानी सी सार दौर सब दौर तो आदि छोट होदी झड़ी जा तार कारण कौन सी भी स्प्रे कर कि तर मेडिसिन दौथे आते परिश्रम करते परिश्रम करापर जब अत्यधिक वर्षा हो गला तो सी अटोमेटिक नष्ट देखते आलु रेटा एवर्ष बढ़ की रहा समस्त आलु लगे थे अलग राज्य मैंने कि नष्ट हो गला तो से भाई से मैंने परिश्रम करकृति पर कौन कर चेषा कर खर्च कर लस होना से कहीं ध्यान दौरान कि अत्यधिक वर्षा हेल्ले कौन कर सड़क रहा पानी बुड़ी रहा
तो ए वर्ष आमर चलित बर्ष बहुत वर्षा होती मानते स्वाभाविक ठारू बहु गुणा अधिक अत्यधिक वर्षा होती जहाँकि बहुत जिन फसल प्रभाव पड़ी। आज्ञा डॉक्टर आचार्य, बहु मात्रा रे फसल उपरे प्रभाव पड़ी, आम जमी शीतल भंडार कथा कह अलग पर गुड़ी आम स्टोर कर रखी पार्चे, कि गोटे लेंबू एमतीया गोटे खाद्य जाऊँ, गोटे टमाटो एमती जाए स्टोर कर बेसी दिन रखी पारा ना शीतल भंडारे, विकल्प किसी उपाय रोच कि जहाद्वारा कि आम जी प्रडक्शन है आम कि दिन टाणी नहीं पार। देखो जदि आमर गोटे आपड़ी बेसी प्रोडक्शन हुए मन कर जमी आमर जम टमाटो कहले आमर रबी बेसी प्रोडक्शन होमर किसी प्रोसेसिंग भेराइटीज अच्छे टमाटो जहाँ को प्रोसेसिंग कर जाम जेली कि जूस कर रखिपर सेमी कागज लेम जब आम बेसी प्रोडक्शन हुए मन कर चाषी मैंने रेट बेस पाईपारे आम कागज लेमें डिफरेन्ट टाइप अफ प्रोसेस्ड प्रडक्ट रखिपर जमी आप लेंबू आचार कर लोक रखुच्च लेंबूर अलग मन कर जूस कर रखिपारे तेनालीमुक जो लेंबू बेस प्रडक्शन है जदि आम पाखे भल गोटे प्रोसेसिंग अच्छी आपण फैसिलिटीज अच्छी कि मार्केटिंग भल करें मुझे भावन जो आम सेमती लेंबू में किसी कौन प्रकार बाधा सृष्टि हो फार्मर चाषी मैंने भल रेट पापर कि जोटा बारंबार आपको आगुरी भी कही जो जस्ट डिस्कसन बेले आम आटलिस्ट आम लेंबूर टी साइंटिफिकली मैनेजमेंट कर पड़ा मन कर देखिए आप लेंबू गोटे गोटे जमी भातुड़ भाई कैंकर जो रोग गोटे बैक्टेरिया जो हुए सीटा मतलब बहुत बहुत केस जो मार्केट भाव लेंबूर बहुत कमे दिए आमको ठीक समय आमको ठीक टाइम आमको गोटे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल देवा पड़ो आ गए आप देखते बहुत जगह लेंबू गोटे पुणा गच्छ होगा लेंबूटा तोली सारापर आप गचटा टी अधा गच झाँवली देखा झाँवला भाई हो जाए गोटे जो डायबैग कहते गोटे लेंबूर भल गोटे बड़ रोग डायबैग गोटे आपंकर पोक लग जो आप पत्र सब खाई जाती आपंकर ये सब विभिन्न प्रकार बर्तमान रोग पक बहुत ओडार होती मैनेजमेंट को दरकार आ ठीक मैनेजमेंट दरकार आम चाषी मान को अनुरोध करी आटलिस्ट आम जो प्रत्येक जिले में आम सब कृषि विज्ञान केन्द्र अच्छा किमर डीडीएच अफिस् सब अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छु आम अच्छु आटलिस्ट टी आम साइंटिफिकली जब आम निश्चित भाव कल्टिवेशन करवा जमी प्रूनिंग कहली गोटे प्रूनिंग ट्रेनिंग दरकार निपर तोली सारापर आप गचर डाल पटे सफा करदे आप फर्टिलइर दे आप मेडिसीन दे गा आप भल ही बढ़ला भल फल दे मैडम जना अवेयरनेस दरकार जेहेतु लेंबूर विभिन्न रोग हूँ आम देख मेन आम रहा फिल धान जहाँ रहा सब लेंबू आम जो रोग पक हूँ आम आवेयरनेस दरकार जमी आंबरे आंबरे आगुरी किए प्रूनिंग ट्रेनिंग करते कहे आंब गच पूरा बढ़ी जाता पूरा कि लोक भी प्रूनिंग ट्रेनिंग कले आंबर हाइट मेन्टेन कर भल सार दौर भल प्रडक्शन होने क्षेत्र जगह सेमती प्रत्येक क्षेत्र में आम टे साइंटिफिकली इंटरवेंशन दरकार अवेयरनेस प्रोग्राम दरकार चाषी भाई मान कौन करा कौन करा लेंबूर कौ रोग बेसी हो पक बेस होत सार देते केत प्रूनिंग करेंगे कौन करेंगे तेनाली से दृष्टि भल आ गए जोटा कही आपको जे ओह ओल्ड प्लांटेशन कहींपर आम कत जगह जो गुड़ा लोक मैंने आगुरी कर लेंबू तक गचटा पुणा बुढ़ा हो गचटा गचटा साधारण पंद्रह कोड़े वर्ष पर आज भल फल दे पारे आम कि नुआ गच लगे नुआ गच लगे आस्ते आस्ते से ओल्ड गच को अपार तो से सब आम जिन टे मैंने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करवा भावी सर निश्चिंत मैडम यहाँ भल भल हम गोटे लेंबूपी आज्ञा आउ गोटे कथा डॉक्टर आचार्य आपको पचारि लेंबू उत्पादन में आम आम देश में जो कह प्रथम कि तथापि यह समस्या देखा दाऊँगी टकर लेंबू तो साधारण लोकटे के कौन लेंबू किण मैम देखते मैडम देखते आम तो मुझे कहली आम जो प्रोडक्टिविटी कौच हरारी बार टन प्राय अलमोस्ट भारत एक प्रोडक्टिविटी आईपर जब आम जहाँ डिस्कसन कलु हेपर आसे पर मे बी जो बर्षा आरंभ हो लेंबू बेस प्रडक्शन लेंबू बेसी हो पाए कि एरिया अच्छे जीक एरिया अच्छे आम निश्चिंत भाव भल प्रडक्शन मानने हवा कथा एरिया भल
आमे ओडिसा तो भलो प्रश्न आगु हेई आसी अछि तो किछटा अवेयरनेस ए क्षेत्र रे दरकार देवेंद्र सर जहां आमे आलोचना करछ डॉक्टर आचार्य मधे अनेक कथा कहले जे चासी मानन को सेति की सचेतन आउरी करबा को पड़िबो जो आपन कहले नेक्स्ट जो द्वितीय फसल हेले वर्षा तापर नेक्स्ट फसल को पुनी भलो अमल हेबो किंतु एई भली स्थिति आरो वर्ष को जे आगामी वर्ष को न लागि रहइबो ए कथा के कहइबो सेटा भी आपण जा कहउछनी स्वाभाविक दिनसडा कहउछनी आगामी दिन रे जदी आपणकर वर्षा दिने वर्षा हवा कथा जदी शीत दिने माने स्वाभाविक ठारु अत्यधिक वर्षा हबो तो से कथा भी केही भी कहि परिबेनी कना आमे आशा करछु जे जदी स्वाभाविक भाबरे प्रकृति रहइबो क्लाइमेटटा रहइबो तले सब दिनस जोटा जो जगह हवा कथा हबो तातु अत्यधिक हेले केही भी आम भी कहि परिबे ना आगु कोन वर्षा कोन हबो कोन न हबो सेटा केही भी कहि परिबे नै तेणु आरो जहाँ डॉक्टर आमर आचार्य कहिले आमे भी सेतरे एकमत जे हाँ चेष्टा करिया पड़ो चेष्टा करिया जदि तांकर किछि रिसर्च कले जना पड़िबो काहेकि लेंबुराग झड़ी जाऊची बा सुखी जाऊची हौ नै सेटा पई टिके ध्यान देले कोन हेइ पारे किंतु आमको आ गोटे मासे खंड गला परे आम देखिया सेकेंड प्रोडक्शन टा कोन होउची तापर जदि भलो आसीगला ताले चेंज हेइ जइबो जदि न आसीला ताले तार रिसर्च करि देखियो पड़िबो देवेंद्र सर आगर आलू पियाज महंगा माड़ थिला एबे पुणी लेंबू रो दर एमती आकाश छुआ हेले साधारण लोक माने कोन किडी पारिबे लेंबू जे धरंदु 4 5 टा किणिले 8 10 टा 10 टका रे 10 टा मिलथला 15 टका मिलथला अबिया 10 टका रे 2 4 टा अछि छोटो छोटो जोटा कि पानी बाहरिबो नि से क्रसी सहित तो नै होसनि त बड हेले 5 7 टका 8 टका पड़ि जाउछि तो से माने देखी गोटे दुईटा ए भलिया नउछनि आमे इठी आइथुलु जे जणे दुईटा नउछि जणे जे 4 टा नउछि बेसी नउ ना दाम पुनी से माने को बजेट अनुसार किणिबे तो आउ एटी भी अन्य राज्य भी ना आम ताठ मगेले चली आसो से प्रोडक्शन ना तेनाली अपेक्षा करने को पड़ो तो ये गोटे लेंबू बेपारी टे केमी कौन निजर पर चल लेंबू बेपारी कौन कर जदि न मिल तो सी भी सी लोकटी दिन सारा बस बिकव लेंबू जी ये हम खरीदार जी गरा कि सी भी कम ने तार भी बिक्री कम हम आउ सी भी असुविधा रन्य मैंने भी असुविधा भोग करेंगे एभली विगत दिन में पिज दर मिललानी आलु मिललानी से सब बेपारी व्यवसायी मैंने भी चुई बसते खाऊटी हईरा होते जो भी प्रडक्शन थी से आने भी खर्च लगे सी भी अधिया दाम पड़ो तेणु से भी चिंता करने को पड़ो से किसी दिन से मैंने हईरा किछि दिन लोक माने खाजु बेपारी माने भी हैरान हेबे डॉक्टर आचार्य आमे आमो राज्य कथा सिना आलोचना कले जहा आपण कहले अनेक गुडे कारण रहूची अलग राज्य गुडीक दिल्ली कोंतु मुंबई कोंतु गुजरात कोंतु से सब अंचल रे से सब राज्य रे मध्य 350 रु 450 टका किलो रे लेंबू बिक्री होची अच्छा सेठी कोन असुविधा रहूची नहीं हे पतार गोटे कारण हे परे मैडम जे लेंबूटा जे कहले ए वर्ष कम प्रोडक्शन हे परे मैम मैडम यही बजार दर रेट रोच लोक मैंने लेंबूर गोटे स्वतंत्र गोटे मार्केट रही कहले ओडिशा है आंध्र तेलंगाना आपणकर कर्णाटक गुजरात तो गोटे स्पेसिफिक मार्केट हो जो लेंबू बेस यूज करती ओडिशा रे खातु आप भात सहित हो कि आपंकर साउथ इंडियान यूज करती तेनालीपार आपड़ी कौन सी कारण जो प्रडक्शन कारण ये जस्ट आम इयर एंडिंग है प्रडक्शन जब जानपरू कहते प्रडक्शन मानने कि नई से आर वर्ष भाया हो पाता जब प्रडक्शन कम थे से रेटा आई पाए कारण से गोटे जिन कारण गोटे जब प्रडक्शन बेसी है आप रेट कमी जाए प्रडक्शन कम रेटा बढ़ जाए तेनालीरें से चान्स प्रडक्शन कमी कि हटात गोटे वर्ष कहीपरें कहीं कमी आटलिस्ट जो यहाँ वर्षे दु वर्ष कंटिन्यू कला तर आम तार निश्चिंत कौन कारणटा कौन आम से निश्चिंत खोज बाहर करश्चिंत निश्चिंत किसी गोटे स्टेप ना निश्चिंत बाध्यता विकल्प व्यवस्था कौन करद्वारा कि लेबू को मैंने लेबू प्रडक्शन बढ़ो और प्रडक्शन क्षेत्र में जहाँ आप कहते चाषी मानक आगे अवेयरने दरकार एक क्षेत्र में कौन पदक्षेप नि बर्तमान मैडम देखो जमी कहली आम गोटे अच्छे मयूरभंज में कोलियान लाइम अच्छी कोलियान बहुत भल फसल हुए हो पाए से लोक मैंने बहुत पूर्व करें केमी फ्यूचर प्रोग्राम केमी फ्यूचर ताको डेवलप कर तार जब कौन प्रकार मन कर
କେମିତି ତାର ପାରାମିଟର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଉ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା କିମ୍ବା ସେ କେମିତି ରୋଗ ପୋକ ନ ହବ, ଯେମିତି ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡା ଚିଲି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚିଲିର ବହୁତ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାର ଆମେ କାରଣ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ସେଟା ଚାଷୀମାନେ କମିଛନ୍ତି, ସେ ଚିଲିଟା କହୁନାହାନ୍ତି ରୋଗ କି ପୋକ କହୁଛି, ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମୁଛି ନା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କମିତେ କାହିଁ କମୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମୁଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା, କାରଣ ଏସବୁ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଚିଲି କୁଚିଣ୍ଡା ଚିଲି ହେଲା, କୋଳିଆଣା ଆମର ଲେମ୍ବୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ହେଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଆମର କମୋଡିଟି, ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବାନି କେବେ ହରାଇବା ପାଇଁ, ବରଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କେମିତି ସେଇଟା ବେଶୀ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଭଲ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଗଛ କରି ଆମେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସବୁଟା ପୁରୁଣା ଗଛ ହେଇଯିବନି, ସେଇଟା ଭଲ ଫଳ ନ ଆସିବ ମନେକର, ତେଣୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ସେଇ କୋଳିଆନା ଗଛକୁ, ତାକୁ କେମିତି ବେଶୀ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା, ଏରିଆ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା, ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି କରିବା, ସବୁବେଳେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିବା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କେତେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଙ୍କର ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇବ୍ୟାକ୍ ହେଉ ସେସବୁ ପାଣିରେ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିବା ହେଇପାରିଥାଏ ଆମେ ସେ ରୋଗ ହେବନି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନେ ଲେମ୍ବୁରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ନ ଦେଉଛୁ, ସାର ଦେଉଛୁ ନ ଦେଉଛୁ, କେତେଗୁଡ଼ା ତାର ଦିଗ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ସମୟ ଏତେ କମ୍ ଆସିବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଅତି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଦେବା କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ସାର୍ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସ୍ପେଶାଲ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।